प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर माघ मेला शुक्रवार को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू हो गया। एक महीने तक संगम की रेती पर कल्पवास का संकल्प लेकर लाखों कल्पवासी गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां आगमन के साथ ही कल्पवासियों ने तीर्थ पुरोहितों के शिविरों में डेरा डाला और पूरे महीने ईश्वर की आराधना का संकल्प लिया। माघ मेले की तैयारियों को गुरुवार को नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने संगम नगरी पहुंचे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से शुरू माघ मेला अब 18 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। कल्पवासी 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक प्रयागराज में रहेंगे। 650 हेक्टेयर में फैले मेले में कल्पवासियों के लिए अलग अलग सेक्टर में तंबुओं की नगरी बसा दी गई है। इन शिविरों में कल्पवासी एक महीने तक तप करेंगे, एक वक्त भोजन, 3 वक्त स्नान और दिन भर हरि भजन। कल्पवासियों की यही दिनचर्या रहेगी। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सभी बंदोबस्त कर लिए हैं। श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए 5 पांटून पुल बनाए गए हैं। हर सेक्टर में 2 घाट का निर्माण किया गया है। वहीं 2 घाट नैनी अरैल की ओर भी बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।